आइए दोस्तों, स्वागत है चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भी। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ पार्ट 4 में भी। तो दोस्तों, सुबह का ठंडा ठंडा मौसम और साथ में प्रभु जी आ चुके हैं, दे सकते हैं आप। और रोड भी बिल्कुल सन्नाटा ही है, क्योंकि सुबह का समय सन्नाटा ही होता है। और मैं सोच रहा था कि शायद आज मैं गार्डन थोड़ा सा टहल लूँ, और उसमें कुछ फूल उल आए हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं गार्डन में कुछ फूल आए हैं। यह है गुलाब का फूल, इधर भी हरे पौधे लगे हुए हैं। और दोस्तों, गार्डन पूरा हरा भरा सा है, यानी कि पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है पेड़ पौधों से, है ना। आप देख सकते हैं बढ़िया गार्डन हरा भरा लग रहा है सुबह सुबह, वाह। और दोस्तों, ये कौन सा फूल है मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे लगता है सर गुलाब का ही है क्या, पता नहीं कौन सा फूल लगाए हैं सर। सर जाने सर ये बातें है कि नहीं। और इधर स्विमिंग पूल बहुत ही ठंडा ठंडा है। अभी सर ने मुझे बुलाया था, सर अभी ऑफिस में बैठे हुए हैं, अभी मैं जा रहा हूँ सर के पास, देखते हैं, है ना। और इधर भी फूल लगे हुए हैं। मैंने सोचा बड़े खुश घूम लूँ, यानी कि टहल लूँ, ऑक्सीजन ले लूँ प्राकृतिक रूप से, तो वही लेने चला आया। और आप देख सकते हैं रवि गुलाब का फूल, ये सब कौन कौन से फूल है दोस्तों, मुझे कुछ पता नहीं है। सर ने लगाए हैं, है ना, सर ने मंगवाए थे ना बाहर से। इधर चमेली के फूल लगे हुए हैं, कितने बड़े बड़े फूल आ गए हैं, पेड़ पौधे भी लग गए हैं। बढ़िया ऑक्सीजन की सुविधा यहाँ पर पेड़ पौधों से मिल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं चल रहा हूँ सर के पास, कि सर बैठे हैं ऑफिस में, मुझे बुलाया नहीं था, पता नहीं, देखते हैं क्या काम है सर को। तो चलते हैं दोस्तों जल्दी सर के पास। चलते हैं, दरवाज़ा खोल लेता हूँ पहले तुम्हें। वाह, पहले दरवाज़ा बंद कर ले, नहीं तो कोई आ ना जाए। चलिए मैं चलता हूँ सर के पास। सर कहाँ हैं? सर तो सर ऊपर ही हैं, चलते हैं, हल्ला नहीं बचाना है मुझे। क्यों? सर का दरवाज़ा बंद है। ओ, मैं कमिंग सर। सर मैं आ सकता हूँ अंदर? हाँ अंदर आ जाओ सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं ये कह रहा था। हाँ सर, आपने मुझे भी बुलाया था? हाँ जी, मैंने बुलाया। अभी आप जहाँ बैठ जाइए जी। हाँ तो मैं आपसे कह रहा था कृष्ण जी, कि आज मैं मीटिंग रख रहा हूँ, और अभी मैंने सभी क्लाइंट को बुला लिया है। तो मैं ये ध्यान रखना है कि जब वो आ जाए तो उन्हें आप ये कहना कि मीटिंग रूम में आप बैठें, क्योंकि सर अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी बाहर जाना है, कुछ काम आ गया है मुझे, इसीलिए मैंने आपसे कहा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना और मैं जल्द ही लौटूंगा, ठीक है। और उनसे कह देना कि मीटिंग ही रूम में ही मिले, ठीक है। ओके सर, बिल्कुल सर, कह देंगे कह देंगे, कह देना, ठीक है। और मैं जल्द ही लौटूंगा, ठीक है जी सर, मैं कह दूंगा सर। सर आप जाएं। और सर मैं ये कह रहा था कि आप कब तक लौटेंगे? हाँ मैं थोड़ी देर में ही लौट जाऊंगा, यानी कि आधा घंटा तो शायद समय लग सकता है मुझे, क्योंकि बाहर जा रहे हैं, बाहर तो थोड़ा सा समय लगता ही है ना। तो ठीक है, और मैं जल्दी लौटूंगा, ठीक है। और सब बोल देना, ठीक, मैं जा रहा हूँ। दोस्तों सर जी तो चले गए हैं, और अभी आप देख सकते हैं सर ने तो जल्दी में चले गए, सब ऐसे छोड़ गए सर। तो चलते हैं, मैं भी बाहर देखता हूँ सर का ऑफिस, वाह। चलते हैं, अभी सर मीटिंग रख रहे हैं, बताओ पहली बार मीटिंग रख रहे हैं सर। बड़े सर की बातें अलग है कि नहीं। चलिए मैं नीचे चलता हूँ, देखता हूँ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, हमारे सर करोड़पति नहीं अरबपति हैं। अब देखते हैं सर गए हैं कि नहीं हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि सर अभी गए हैं, क्योंकि अभी देखते हैं गैरेज, इनका गैरेज अभी खोलता हूँ, रुक रहा हूँ, अभी मैं जाके देखता हूँ। गैरेज तो अभी खुला नहीं है, अभी मैं खोल लेता हूँ गैरेज को भी, क्योंकि सर अभी गाड़ी सर निकालेंगे। सर अभी सर गाड़ी से ही जाएँ, क्योंकि पैदल तो जाएंगे ही नहीं, है ना। सर हमारे अरबपति हैं, वो पैदल थोड़े ना जाएंगे, वो तो गाड़ी से ही जाएंगे ना। दोस्तों सर ने जैसे कहा है मुझे अब वैसे ही करना ही है, क्योंकि सर ने कहा है ना कि जो भी क्लाइंट आए तो उन्हें मीटिंग रूम में भेज देना, सभी बैठेंगे मीटिंग रूम में। आज सर रख रहे हैं फर्स्ट टाइम मीटिंग रूम। तो दोस्तों सर हमारे चले गए हैं, अब देख सकते हैं गाड़ी चली गई है इनकी,
और मैं अभी शटर को बंद कर देता हूँ, है कि नहीं? चलिए मैं शटर को बंद कर रहा हूँ, बंद हो रहा है शटर। और अब मैं देखता हूँ कोई क्लाइंट वाइंट आएगा, तब देखते हैं। दोस्तों, सर ने मुझे बुलाया है मीटिंग में और मैं आ गया हूँ सुबह सुबह ठंडी ठंडी में। और अभी देखते हैं, सर हैं? सर, बड़े सर कहाँ हैं? अरे यहाँ, अरे कृष्ण, कृष्ण में दिखाई नहीं दे रहे। कृष्ण कहाँ हो भैया? बड़े सर कहाँ हैं? यहाँ तो कृष्ण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण, कृष्ण जी सर, बड़े सर कहाँ हैं? सर ने बुलाया था ना मीटिंग में। जी, बड़े सर ने बुलाया था, अभी सब बाहर हैं। अच्छा, बाहर गए हैं, कब तक आएंगे? बोले हैं थोड़ी देर में। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा फैन चला लूँ क्या? चला लीजिए सर। टीवी चालू होती है? यस सर। वाह, टीवी भी चालू है, अभी मैं टीवी देख रहा हूँ। सर अभी आ ना जाए, अभी मैं बंद करके। हाँ, तो सर ने क्या बोला था? सर ने बोला है कि जो भी क्लाइंट आए उन्हें मीटिंग रूम में भेज देना। ओके, अच्छा, अभी से भी क्लाइंट आ रहे हैं ना धीरे धीरे। जी। हाँ, नहीं तो टीवी तो सही चल रहा है। सर ने, क्या बात है, बड़ी टीवी लगा के रखे हैं सर। तो अभी मैं जाता हूँ ऊपर मीटिंग हॉल में, अभी से भी क्लाइंट पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। तो पहले तो मैं ही आ गया हूँ, सर का ऑफिस खुला है। अभी मैं जाता हूँ मीटिंग रूम में, बैठता हूँ जा करके। पहले से वेलकम, स्वागत है। वाह, ये है मीटिंग रूम सर ने बना के रखे हैं। चलिए मैं भी बैठता हूँ। ठंडी बहुत जोर को लग रही है दोस्तों। और यहाँ पर सर की सब किताबें रखी हुई हैं। देखो क्या होता है, आज तो सर ने बताया था कि पर्सनल मीटिंग है, तो पर्सनल मीटिंग देखें, उनसे कुछ पूछेंगे। सर से हमें ये बात पूछनी थी, चलो अभी सर आएंगे तो बात पूछेंगे उनसे, ठीक है? और अभी अभी और भी सब क्लाइंट आएंगे, वो भी देखेंगे। और यहाँ पे हमें लाइटें सब ऑन कर दी है। ठंडी दोस्त इतनी है नहीं, और मैं कह रहा हूँ ठंडी ज़्यादा है। तभी मैंने फ़ैन लगा दिया है हल्का हल्का, लाइट भी ऑन है। अभी देखते हैं सर, लगता है सर आ रहे हैं क्या? उनकी आवाज़ तो आ गई है सर की, लग तो ऐसे ही रहा है। कृष्ण, कृष्ण लगा नीचे है। दोस्तों लग रहा है कहीं लेट तो नहीं हो गए, मीटिंग तो समय हो चुका है। लगता है सभी क्लाइंट बैठे होंगे मीटिंग में। चलिए मैं भी अब जा रहा हूँ कुछ सामान लेकर के यहाँ से, फिर बोलता हूँ। कृष्ण जी सर, सभी मीटिंग में आ गए हैं? यस सर, सभी आगे बैठे हैं, बैठे हैं। और सब बंद है ना नीचे? यस सर। चलिए मीटिंग चलते हैं अंदर की ओर, मीटिंग रूम में। ये है हमारा मीटिंग का रूम, सभी क्लाइंट बैठे तो हैं। चलते हैं अंदर की ओर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ का सभी को कैसा लगा? तो आज पर्सनल मीटिंग है जो कि मैंने पहली बार रखा है, और सभी अपने अपने प्रश्न पूछेंगे, और यहाँ पे सभी पर्सनल प्रश्न होंगे, ठीक है? ओके सर। तो एक एक करके सभी सवाल पूछेंगे, और मैं आज का सेक्शन चालू करता हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि, और बहुत लोगों का भी सवाल यही है कि आप अरबपति कैसे बने, और मुझे ये जानकारी चाहिए कि आप अरबपति कैसे बने। ये मेरा पर्सनल सवाल था आपसे। तो पहला सवाल ही बहुत ही तगड़ा पूछा है राघव जी ने कि मैं अरबपति कैसे बना। तो मैं इसका उत्तर आपको देता हूँ राघव जी, कि अरबपति में ऐसे नहीं बना। अरबपति का मुझे ऑफ़र आया था, तो मैं अरबपति जब बनने का मैं जब गया, मुझे भी अच्छा लगा कि अरबपति बनने का मुझे ऑफ़र आया है। तो मैं जब गया तो वहाँ देखा कि 20 प्रश्न के उत्तर मुझे देने थे, जो कि बहुत ही हार्ड थे। अरबपति बनना आसान तो है ही नहीं। तो जब मैं गया तो वहाँ पर पूछा गया हमसे प्रश्न, 20 प्रश्न में से मैंने 19 प्रश्न तो मेरे बिल्कुल सही निकले, एक प्रश्न गलत हो गया। तो फिर जब रिजल्ट का समय आया तो मेरा नाम पहला ही ऊपर नाम दिख रहा था, और क्रिश। तो मुझे अच्छा लगा कि वाह, मैं अरबपति बन चुका हूँ। तो ये है कहानी, ठीक है? और किसी को कोई प्रश्न है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? जैसे राघव जी ने मुझसे पर्सनल सवाल किए हैं, ठीक है? सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कम समय में अरबपति बने हैं। सर, मेरा प्रश्न ये है कि आप हवाई जहाज खरीद लें, जैसे कि आप बाहर जाते हैं ना तो आप लगता है कि गाड़ी है, तो मुझे लगता है कि सर आपको एक हवाई जहाज लेना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप इसमें सर? मेरा ओपिनियन यानी कि मेरा सजेस्ट यही है कि आप एक एरोप्लेन खरीद लें पर्सनल, क्योंकि आप अरबपति हैं सर और आपको खरीदना ही चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है। सूरज जी ने भी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि मुझे एक एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज पर्सनल खरीदना चाहिए।
हाँ, तो मेरा ओपिनियन भी यही कह रहा है कि आपने बिल्कुल सही कहा है ना। तो मैं खरीद दूंगा और जाऊंगा भी, देखेंगे। आज ही आपने जब सजेस्ट किया है तो आज ही मैं जाऊंगा, देखेंगे, पता करेंगे कि मैं एक हवाई जहाज पायलट यानी कि खरीदूँ पर्सनल, ठीक है, देखेंगे। मेरा विचार भी यही कह रहा था और आपने आज पर्सनल सवाल में पूछ भी लिया। वाह, बहुत ही अच्छा सूरज जी। सर, आपका चैनल आर्क्रिस गेम की, सर मैं वीडियो बहुत देखता हूँ आपकी, उसमें सर आप जो बोलते हैं बहुत ही अच्छा बोलते हैं और गेम तो बहुत ही अच्छा लगता है सर, आनंद हो जाता हूँ सर, मनोरंजन मिल जाता है सर मुझे, सर आपका चैनल देख करके। राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये मेरे चैनल देखते हैं, सभी को यहाँ पे मैं धन्यवाद करता हूँ। और किसी का कोई प्रश्न है? नो सर। तो चलते हैं, अब मैं मीटिंग समाप्त करता हूँ, अब कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आज का आपको कैसा लगा सेक्शन मीटिंग का? बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया लगा, वेरी नाइस सर। चलते हैं, अब मैं मीटिंग समाप्त करता हूँ, ठीक है दोस्तों। मीटिंग तो समाप्त हो गई, सर चले गए हैं ऑफिस में और सभी क्लाइंट चले गए हैं। अब चलते हैं, मैंने सब बातें बता दी है मीटिंग की, और मैं जाता हूँ ऑफिस सर के। सर अभी बैठे होंगे अंदर, पता नहीं है या नहीं, चलते हैं ऐसे ही। मैं कमीन सर, मैं कमीन सर, यस आ जाओ। कृष्ण जी सर, अभी मुझे निकलना होगा। कहाँ सर? सर अभी मैंने बताया ना आपको कि मैं पर्सनल एयरपोर्ट मुझे जाना है, पर्सनल एयरप्लेन खरीदने, बाय करने, देखते हैं कितने तक का होगा। जी सर। सर गाड़ी पहले ही से तैयार है, चलिए सर, गाड़ी आपका इंतज़ार कर रही है, आइए। जी, मैं बिल्कुल भी आ रहा हूँ। और हाँ, मेरा सब बैग वगैरह ले लिया है? यस सर। हाँ, तो आज मैं एक नई गाड़ी से ही जाने वाला हूँ, ठीक है सर। तो पहले से आपको पता ही है ना? यस सर, यस सर। तो चलते हैं जल्दी, ठीक है। कृष्ण, कृष्ण जी सर, देर मत करो, चलो जल्दी, टाइम हो रहा है मेरा अभी जाने का। जी सर, गाड़ी पहले से तैयार है ना? जी सर, खड़ी है सर, सब बंद दरवाजा कर दिया है? यस सर। चलो चलते हैं जल्दी। बैग ले लिए मेरा? दोनों बैग हैं जी सर। इसको भी दरवाजा बंद कर दो, लॉक कर देना अच्छे से, ठीक है। अब और गाड़ी को बाहर निकलते हैं, चलते हैं। तो दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ सर के साथ एयरपोर्ट, अब देखते हैं सर कौन सी एरोप्लेन खरीदते हैं पर्सनल। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं डीएम सर के बंगले में, और अभी आप देख सकते हैं सर हमारे गाड़ी में बैठे हैं जो कि डीएम सर की है। और डीएम सर हमारे सर के दोस्त हैं बहुत ही अच्छे, और उनका ये बंगला है, उनकी ये गाड़ी है। तो सर अभी हमारे बैठे हुए हैं, और अभी हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट, अभी आप देख सकते हैं नंबर प्लेट सर की डीएम ऑफिसर लिखा हुआ है। और दोस्तों, ये गाड़ी है बीएमडब्ल्यू है, अभी आप देख सकते हैं डीएम ऑफिसर जो कि हमारे सर के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो आज सर हमारे इन्हीं कार से जाएंगे एयरपोर्ट तक, और वहाँ देखेंगे सर क्या है क्या नहीं, पर्सनल एयरपोर्ट में इनका बातचीत होती है, तो देखते हैं सर खरीदते हैं या नहीं, है ना। चलते हैं, अभी आप देख सकते हैं डीएम सर की गाड़ी में बैठे हुए हैं सर हमारे। आप देख रहे हैं दोस्तों, सिक्योरिटी कितनी तगड़ी रखी हुई है डीएम सर ने हमारे सर के लिए, हमारे अरबपति सर के लिए, है कि नहीं। और बीएमडब्ल्यू की बात ही अलग है, आप देख सकते हैं नंबर प्लेट तक डीएम ऑफिसर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, झंडा अपने देश का तो नहीं है, है ना, अपना इंडिया ठीक लगता है, लेकिन ये झंडा अब सर हैं, डीएम सर की इनकी दोस्ती हुई है कि नहीं। तो गाड़ी चलने वाली है दोस्तों, मैं भी जा रहा हूँ अंदर, और मैं आ गया हूँ। और अभी आप देख सकते हैं दोस्तों इंडियन फ्लैग जो कि रखे हुए हैं यहाँ पर, देखिए तीन तीन है दोस्तों भारतीय झंडा, है कि नहीं। ये अच्छा लगा मुझे, आई एम इंडियन, है ना। और गाड़ी तो भैया यूएसए की लगता है शायद, उनकी फ्लैग यूएसए की है, और गाड़ी कितना तेज चल रहा था, वाह। तो दोस्तों, सर के साथ आज मेरा भी सपना बीएमडब्ल्यू में हो गया, वाह। सर हमारे अरब पति हैं, बात ही उनके अलग है कि नहीं। अभी सर देखो एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं एयरपोर्ट में, बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे बीएमडब्ल्यू जो कि चला रहे हैं ड्राइवर साहब, आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट, यानी कि हमारे सर आ गए हैं एयरपोर्ट, अभी आप देख सकते हैं यहाँ कितने सारे हवाई जहाज खड़ी हुई है कि नहीं। दोस्तों, हमारे सर अभी जाएंगे। तो कृष्ण जी सर, कैसा लगा एयरपोर्ट? बहुत ही अच्छा लगा सर। तो चलते हैं, आओ, बड़ी गाड़ी सही है ना? यस सर। सर आप आगे बढ़ जाइए, मैं पीछे बैठ जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। चलते हैं, ड्राइवर कहाँ है भैया? ड्राइवर साहब जी,
ये बैठा लो, आइए सर, आगे बढ़ जाइए आप। ओके ओके, बैठ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एयरप्लेन की ओर, आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं हमारे सर को कौन सा एयरप्लेन पसंद आता है, यानी कि हवाई जहाज पसंद आता है। देखते हैं, पर्सनल हवाई जहाज होगा, देखते हैं सर अब खरीदे तब तो, है ना। सब तो सर खरीद ही लेंगे सर, तभी आए हैं। ठीक दोस्तों, अभी पहुंच रहे हैं हवाई जहाज जहाँ इनके मालिक हैं। अभी सर देखते हैं कितने तक का मिल जाएगा, है ना। फिर सर सीखेंगे, सीखने में सर को बहुत टाइम लगेगा। हाँ कृष्ण, बिल्कुल सही बोला है आपने। तो कृष्ण जी सर, हाँ तो आप मेरा सब सामान ले आए हो ना कागज? यस सर ले आए हैं सर। भैया आप मैं जहाँ ऑनर है ना इनके हवाई जहाज के, जी सर आप मुझे वहीं छोड़ना। ओके सर, सर ऑनर आगे बैठते हैं सर, मैं वहीं छोड़ देता हूँ आपको। जी, सर बहुत ही अच्छा लगा सर, एयरप्लेन आप खरीद रहे हैं और मैं एयरपोर्ट में आया हुआ हूँ, बहुत ही अच्छा लगा सर। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो कृष्ण जी सर चलते हैं। यस सर, आइए सर, आइए आइए, आपका स्वागत है हमारे एयरपोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका भी। और मुझे आप ये बताइए जी सर कि आपका पर्सनल एयरप्लेन हवाई जहाज है यहाँ पर? जी सर बिल्कुल है। सर मैंने आपको देखा है, आपका एक चैनल है आर्टिस्ट गेम, और आप बहुत बड़े अरबपति हैं। सर मैंने आपका वीडियो बहुत ही अच्छे से देखा है, बहुत ही अच्छे से आप बोलते हैं। सर मेरे पास एक एरोप्लेन है, यानी कि एक प्राइवेट हवाई जहाज़ है जो कि बिल्कुल पर्सनल, मैं आपको दिखा देता हूँ सर। ये चलिए सर, और सर अगर आपको पसंद आए तभी आप लीजिएगा सर, मैं आपको पहले बता दिया हूँ सर, नहीं तो आप मुझ पर गुस्सा ना करें। जी, बिल्कुल नहीं। हाँ तो कृष्ण जी सर आप है ना? यस सर, देख रहे हैं दोस्तों कितने बड़े बड़े हवाई जहाज रखे हुए हैं एयरपोर्ट पर, है कि नहीं? दो तो ये इधर निकल गए, तीन चार तो अभी हैं। और अभी हम देखने जा रहे हैं पर्सनल हवाई जहाज, जो कि हमारे सर को पसंद आ जाए तो अच्छी बात है कि नहीं? यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी एक ही है, देखते हैं। तो सर यहाँ पर आपका ये है सर, एक पर्सनल हवाई जहाज आप दे सकते हैं सर। अच्छा यही है? यस सर यही है सर, एक ही मॉडल है सर मेरे पास अभी, अभी एक और आने वाला है सर, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। सर ये है पर्सनल हवाई जहाज जो शायद आपके ही लिए है, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ खोल करके। मैं अभी ओपन कर रहा हूँ सर, दे सकते हैं, खुल गया है सर। आइए आइए सर, पधारिए हवाई जहाज पर्सनल में। और सर आप दे सकते हैं, इधर केबिन है पायलट के लिए, और सर यहाँ पर सभी प्रॉपर दरवाजे लगे हुए हैं पर्सनल के लिए, और आप दे सकते हैं। आइए सर मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर सर चार सीटर और इधर टीवी लगी हुई है, इधर दो सीटर बैठ सकते हैं और प्रॉपर तरीके से। और इधर सर किचन है, ये यहाँ पर आप खाना पीना बना सकते हैं और यहीं पे धुल भी सकते हैं आप। ये है इसमें सुविधाएं दी गई हैं, और सर इसमें एक और सुविधाएं दी गई हैं सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सर बेड, यहाँ पर आप सो भी सकते हैं, आप देख सकते हैं सर यहाँ पर डबल बेड है और टीवी भी आप देख सकते हैं सर। तो ये है, और सर प्रॉपर दरवाजे सब जगह लगे हुए हैं। और सर आपका अगर आपके पास गाड़ी है कोई भी चीज़ें आप यहाँ पर ला, यानी कि यहाँ पर आप रख भी सकते हैं, ये प्रॉपर सुविधाएं इसमें हैं सर। और सभी प्रॉपर तरीके से दरवाजे हैं लगे हुए हैं, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है सर पर्सनल, अगर आपको पसंद आया हो तो आप ले सकते हैं। और इधर सर केबिन पायलट के लिए, यहीं से सब कुछ बटन ही लगे हुई हैं, अगर यहीं से पायलट चाहे तो सब कुछ दरवाजा बंद कर सकता है ना, ये चीज़ है, यहीं से ऑन होता है। और सर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है पर्सनल लग्जरी बाथरूम, इधर आप देख सकते हैं शावर रखा हुआ है, इधर शावर है, इधर बाथरूम, इधर मिरर है ना, बढ़िया है। अगर आपको पसंद आया सर तो आप ले सकते हैं, मैंने आपको दिखाई दिया है, सब जगह प्रॉपर दरवाजे लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ये तो बात अच्छी लगा कि पर्सनल तो है, हर तरफ सुविधाएं दी गई हैं, बढ़िया दरवाजे भी साथ में हैं, टीवी भी है, बैठने के लिए भी है, डबल बेड है, तो क्या है, बहुत ही अच्छा है, पर्सनल है। कृष्ण जी सर कैसा लगा आपको? सर बहुत ही अच्छा लगा सर, मुझे तो पसंद है सर, पसंद है ना, मुझे भी पसंद है ये, बिल्कुल पर्सनल हमको लगा, क्योंकि भैया ने मुझे अभी दिखाया है ना कि हर तरफ पर्सनल गेट लगे हुए हैं, दरवाजे हैं, है ना, तो बढ़िया है। बाथरूम है, किचन है, पूरा घर की तरह दे रहे हैं एक पूरा फ्लैट में, तो क्या है, बहुत ही अच्छा है, तो मुझे पसंद आया है भैया। तो
तो चलिए मैंने इनके ऑनर से मैंने बात कर ली है। तो ऑनर जी, यस सर, सर अगर आपको पसंद आया ना सर, मेरे को मुझे बहुत ही पसंद आया ये पर्सनल, तो चलते हैं। इसका प्राइस अभी आप बताइए। चलते हैं सर, केबिन में चलते हैं। हमें अभी आपको वहीं बताता हूँ। बिल्कुल। तो दोस्तों, सर को हमारा पसंद आ गया है फ्लाइट पर्सनल, बहुत ही अच्छा है, लग्जरी है। तो चलिए अभी ऑनर से अभी इनका बातचीत होगा। अभी एक ऑनर ऑनर्स बातचीत हो गई है, अभी दूसरों ऑनर्स बातचीत करते हैं। तो जी सर, सर आपको पसंद आया? हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद आया है आपका पर्सनल, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो अब मुझे प्राइस बताएं कितने तक का मिल जाएगा ये मुझे? सर ये आपको तकरीबन 100 करोड़ तक का मिल जाएगा। 100 करोड़? जी सर, इसे कुछ कम नहीं होगा? नहीं सर, कम कैसे हो सकता है सर। अच्छा चलिए ठीक है। तो सर मैं अभी आपको पेमेंट कर देता हूँ। सर पेमेंट कैसे करेंगे सर, कैश या ऑनलाइन? देखिए मैं आधा ऑनलाइन से कर देता हूँ और आधा मैं कैश लेके आया हूँ, जो कि मैं कैश दे सकता हूँ। ठीक है, ओके सर। तो सर पेमेंट कर दीजिए। ओके कृष्ण जी, सर कैश ले आइए। यस सर, लीजिए सर, देख लीजिए। यस सर, पूरे हैं, पूरे हैं। यस सर, और आधे में अभी ऑनलाइन कर देता हूँ। ओके ओके सर। कृष्ण जी, सर मोबाइल लिया ना, लीजिए सर। हो गया ना? यस सर, हो गया। जी, सर अब ले जा सकते हैं। अभी कैसे ले जा सकता हूँ, अभी मुझे कुछ पता नहीं। हाँ चलिए चलिए ना सर, मैं अभी आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ। ओके आइए। ऑनर जी, अभी मुझे फीचर्स मत बताइए, अभी मुझे चलाना नहीं आएगा। लेकिन अभी मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, मैं अभी इसको नहीं ले जा सकता। अभी मुझे, मैंने खरीद तो लिया, लेकिन अभी ये यहीं रहेगा एयरपोर्ट पर। अभी मैं इसको बाद में सीखेंगे। अभी पायलट के लिए अभी हमको ज़रूरत पड़ेगी। अभी एक पायलट भी आएगा, तो वो भी मुझे सिखाएगा, है ना? तो ये चीज़ है, तो यही बात है। मैंने हवाई जहाज़ पर्सनल खरीद लिया है, जो कि 100 करोड़ मुझे पड़ा है ना? तो ये चीज़ है। तो अभी मुझे पायलट की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो मुझे सिखाएगा अच्छे ढंग से। इस तरीके से फिर हमें चलाएंगे, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस। अभी मैं वहीं आपसे मिलता हूँ, ठीक है? तो जल्द ही मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस, क्योंकि तो मैंने खरीद लिया। अभी हमने क्लाइंट से बात कर ली है, ऑनर से, कि अभी ही यहीं रहेगा फिर फ्लाइट। और अभी से वो पायलट हमारे लिए ढूंढ रहे हैं। जब तक पायलट हमको मिलेंगे, ड्राइवर, उनसे अभी सीखेंगे, तब मैं आपको बताएंगे, ठीक है? तो अभी हम जाते हैं अपने ऑफिस, ठीक है? तो कृष्ण जी सर, चले ऑफिस? यस सर। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस। अभी आप देख सकते हैं मैं अपने ऑफिस आ गया हूँ। कृष्ण जल्दी आओ भैया, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। चलते हैं अपने ऑफिस के अंदर। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? कृष्ण, यस सर, दरवाजा बंद करके आना। ओके सर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको पार्ट 4? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, ना अच्छा लगा हो तो मत लाइक करना, ठीक है? तो कृष्ण जी सर, भैया फैन ऑन कर देना और टीवी भी ऑन कर देना। ओके यस सर। दोस्तों अब पार्ट 4 ख़त्म होता है, अब हम आपसे मिलेंगे पार्ट 5 में। तो गाइस कैसा लगा पार्ट 4, आप लोग जरूर कमेंट में बताना। तो कृष्ण जी सर, कैसा लगा पर्सनल हवाई जहाज? सर बहुत ही अच्छा लगा है सर, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि आपने हवाई जहाज पर्सनल खरीद लिया है सर। और सर आपकी बात ही अलग है, आप अरबपति। चलिए कोई बात नहीं, प्रभु की कृपा है जो कि मैंने खरीदा है, ठीक है? तो दोस्तों पार्ट 4 यहीं समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे पार्ट 5 में, जो कि मैं हवाई जहाज पायलट के साथ ड्राइविंग सीख रहा हूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं। अगर आपको पार्ट 5 देखना हो तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है? तो दोस्तों आपने पार्ट 4 यहाँ तक का वीडियो आपने देखा, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं जल्दी पार्ट 5 में।